कपास के अंदर गुलाबी सुंडी काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। हर एक फार्मर को ये लगता है कि हम जो गुलाबी सुंडी की रोकथाम है वो कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटी है वो तरह तरह की जो गाइडलाइन है वो अपडेट करती जा रही है कि आप किस तरीके से अपनी कपास के अंदर गुलाबी सुंडी का जो अटैक है उसको रोक सकते हैं। यहीं पर फार्मर को काफ़ी सारे सवाल है कि हम फेरोमोन ट्रैप लगा कर की भी जो गुलाबी सुंडी है उसे मार सकते हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा फेरोमोन के बारे में बता देता हूँ कि ये आखिर में होती क्या चीज़ है और ये सुंडी को क्यों नहीं मारती। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन का मतलब होता है कि मादा एक ऐसी गंध या फिर एक ऐसा केमिकल छोड़ती है जो नर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब भी नर और मादा मिलेंगे तो जो अंडे हैं वो पैदा होंगे। फेरोमोन ट्रैप जो है वो गुलाबी सुंडी को मारता नहीं है, बल्कि मारने के अंदर हमारी जो सहायता है वो करता है। सहायता इसलिए करता है कि मान के चलो कि हमने अपने खेत के अंदर फेरोमोन जो ट्रैप है वो लगा रखे हैं और हमें अभी तक पता नहीं है कि हमारे खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो कब होना है। ये एक तरह का अलार्म होता है। अलार्म इसलिए कि अगर आपने अपने खेतों के अंदर फेरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं, उस ट्रैप के अंदर या उस फेरोमोन के अंदर 7 से लेकर 8 जो हमारे नर फिड़कले हैं अगर वो आ जाते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे खेत के अंदर जो कीटों का या फिर जो गुलाबी सुंडी का हमला है वो हो चुका है और हमें इसे रोकने के लिए तरह तरह के जो कीटनाशक है वो प्रयोग करने चाहिए। इसलिए जिस भी किसान के मन में ये वहम था कि फेरोमोन ट्रैप जो है वो गुलाबी सुंडी को मार देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह की अलार्म है, ये किसानों को सूचित करता है कि तैयार हो जाओ, हम आपके खेत के अंदर जो गुलाबी सुंडी का अटैक है वो होने वाला है, क्योंकि इसी की चेतावनी के हिसाब से जो फार्मर है वो सही दवाई का जो चेन है वो कर सकते हैं। दूसरा, काफ़ी सारे ऐसे फार्मर है जिन्हें फेरोमोन जो ट्रैप है वो लगाने का सही जो तरीका है वो मालूम नहीं है। तरीका इसलिए मालूम नहीं है कि वो किसान साथी क्या करते हैं कि कपास के अंदर जो फेरोमोन ट्रैप है वो फूल आने के बाद में लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फेरोमोन ट्रैप जो है वो आपको कपास के अंदर फूल आने की अवस्था से आपको पहले लगाना है। ध्यान रहे, जब भी आप फेरोमोन ट्रैप लगाएं तो आपका जो ट्रैप है वो पौधे से करीबन 2 या 1.5 फीट की ऊंचाई के ऊपर हो। ये ना हो कि आप पौधे के बराबर या फिर इक्वल जो फेरोमोन ट्रैप है वो लगा दें। अगर ऐसा करते हो तो जो हवाएं चलती है मादा की जो गंध है वो दूर तक नहीं जाएगी और जब तक वो केमिकल की गंध नहीं जाएगी तब तक वो जो नर भाग है वो इसके अंदर इंटर नहीं होगा। एकड़ के अंदर 2 जो फेरोमोन ट्रैप है वो काफ़ी रहते हैं। यहाँ पर मैं हमारी जितनी भी बीज वाली जो कंपनी है, जो कंपनियाँ बीज का निर्माण करती है, उन्हें भी मैं थोड़ा सा कहने वाला हूँ कि आप कृपया करके इस वर्ष अपने बीज के साथ प्रति एकड़ 1 या 2 जो फेरोमोन ट्रैप है वो किसानों को फ्री जरूर दें, क्योंकि आप सीड के अंदर काफ़ी मोटा जो पैसा है वो कमाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये किसानों की हेल्प कर देते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि 100-150 रुपये जो फार्मर के हैं वो बच जाते हैं और फार्मर इसे अपने भली भांति लगा लेगा। अगर फार्मर को परचेज़ करके लाना पड़ा तो काफ़ी सारे ऐसे फार्मर है जो ये सोचते हैं कि 200-400 रुपये जो है वो हम क्यों ख़राब करें। अगर आप फ्री के अंदर देते हो तो हर एक जो फार्मर है वो इस फेरोमोन ट्रैप को लगाने में सक्षम हो सके। अगर आपके एरिया के अंदर 100 एकड़ के अंदर कपास लगी हुई है और किसी 10 या 20 एकड़ के फार्मर ने इसे लगाया है तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरे एरिया के अंदर लगेगा तो हमें समय के अनुसार हम पूरे खेत के अंदर या फिर पूरे एरिया में जो सही कीटनाशक का चयन है वो कर सकेंगे और इस बीमारी से हम अपनी जो निजात है वो पा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, फेरोमोन ट्रैप के रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है वो समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।